फाइनली सूर्या मोटर्स से हमारे को मिल गई है एक्सट्रीम 125R, और ये रही इसकी चाबी। और इस बाइक के भाई बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं, टॉप स्पीड का वीडियो आने वाला है, ड्रैग रेस का वीडियो आने वाला है, रेड 125 से कंपेयर का वीडियो आने वाला है। जितने भी वीडियो है ना भाई इस बाइक से रिलेटेड, वो सारे इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भाई एक्सट्रीम 125R का टॉप स्पीड टेस्ट, और कुछ इंजन्स के आपको फीचर्स बता देता हूँ। बाइक के अंदर आपको मिलता है एयर कूल्ड इंजन, 125 सीसी का इंजन रहने वाला, 11 BHP देखने के लिए मिल जाएगा आपको 8250 RPM के साथ में। और बाइक में आते हैं 5-speed गियरबॉक्स, और ये रहा एक्सट्रीम 125R का डेमो व्हीकल। फुल ब्लैक है गाड़ी, और गाड़ी का जो लुक है और डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और भाई मेरे को तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। 125 सीसी के अंदर आपको इसकी टक्कर में और कोई बाइक देखने के लिए नहीं मिलेगी इतनी अच्छी लुकिंग के साथ में, और माइलेज के अंदर भी ये गाड़ी बहुत ही टॉप नॉच रहने वाली है। तो चलो भाई ज़्यादा देरी नहीं करते, ज़्यादा बात भी नहीं करते, फटाफट से इसका करते टॉप स्पीड टेस्ट। टॉप स्पीड जो हम चेक करेंगे इसकी, दो अटेम्प्ट में टेस्ट करेंगे, दो राउंड होने वाले हैं, और पहले गियर में कितनी जाती है, दूसरे गियर में कितनी जाती है, चौथे गियर में कितनी जाती है, पांचवें गियर में कितनी जाती है, सारी भाई टॉप स्पीड इसकी आज हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई फर्स्ट गियर से, पीछे देख लेते हैं, कैमरा तो स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग करना। हाँ चलो जी, थोड़ा सा रोड खाली हो जाए तो चेक करते हैं फर्स्ट गियर में। पहले गियर में जा रही 31, दूसरे गियर में 56, तीसरे गियर में 81, चौथा गियर लगा रखा है मैंने अभी, और 101, 102, 108 चौथे गियर में,125 सीसी का इंजन इस गाड़ी का, और फिर भी 120 की टॉप स्पीड अचीव कर रही है गाड़ी। गजब परफॉर्मेंस यार, अल्टीमेट। 116 अभी भी चल रही है गाड़ी, सामने ट्रैफिक आता हुआ, 118, और अभी मैं लीन नहीं हो रहा हूँ फिर भी भाई गाड़ी चल रही है 110, और 110 के ऊपर जो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी गजब है यार। 116, 125 सीसी का इंजन यार 116 की स्पीड अचीव कर रहा है, अभी बिल्कुल भी लीन नहीं हूं मैं, 118, ओ भाई गजब। आगे ट्रैफिक है, ओ माय गॉड, क्या चीज बनाई है हीरो ने भाई, मजा आ गया, गजब, अल्टीमेट यार, गजब गजब गजब। सोचा नहीं था मैंने भाई फर्स्ट राउंड में ये बाइक इतना टॉप स्पीड अचीव कर सकती है यार, बिलीव नहीं हो रहा मेरे को तो इसके ऊपर यार। 125 सीसी का इंजन है, 5-speed गियरबॉक्स है, आराम से 120 तक जा रही है, और 120 के ऊपर जाने के बाद में भी गाड़ी के अंदर आपको भाई वाइब्रेशन जो है ना वो बहुत ही कम फील होने वाले है, क्योंकि इसका जो इंजन है बहुत रिफाइंड लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। और अभी तक तो भाई इसकी फर्स्ट सर्विस होने के बाद में ये बाइक आराम से 125 तक अचीव कर सकती है, ज्यादा नहीं बोल रहा, 120 मैंने चला लिया, 125 तक तो ये जा ही सकती है आराम से। गियर की बात करूं तो गियर इसका भाई इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा हार्ड गियर है, बट इंजन इसका काफी रिफाइंड है, इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड लग रहा है। एक्सीलरेशन की बात करें, टोटल की बात करें, टोटल रिस्पॉन्स भाई गजब इस गाड़ी का, तुरंत पिकअप लेगी ये बाइक। तो पहले राउंड में आपने देखा कि 120 अचीव की है टॉप स्पीड हमने, अब करते हैं भाई सेकंड राउंड और चेक करते हैं फिर से। 33 पहले गियर में, 55, 82 चौथा गियर लगा रखा है, 82 की टॉप स्पीड अचीव कर ली अब तक हमने, और 100, 101 RPM अभी भी हिट नहीं हुआ, RPM अभी भी नहीं आया गाड़ी का, 102,
109 गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है भाई, 109 चल रहा है अभी, 108 थोड़ा लेन होके चलाना पड़ेगा, 110 111 ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, एक राउंड और करना पड़ेगा अपने को। 111 तक तो मैं लेके गया था, एंड बाइक को आप जैसे लीन करते हो ना, तो जो लीन के ऊपर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो गजब आ रही है देखो, और चल रही है 80 की स्पीड पे, सस्पेंशन गजब है इस गाड़ी का, ये देखो जिग जैग करके आप इसको आराम से चला सकते हो, क्योंकि रियर में आपको भाई जो टायर मिलता है ना भाई, 120 mm का 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, गाड़ी चल रही भी 111 की स्पीड में,